गुड मॉर्निंग क्लास. इन टूडेज मैथ्स क्लास वीडियो वी लर्न हाउ टू राइट थ्री डिजिट्स नंबर टेबल. प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू हाउ टू लर्न एंड राइट टू डिजिट्स नंबर टेबल ईजिली विद दिस मैथड. दिस इज कॉल्ड वैदिक मैथ्स. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टू डिजिट के नंबर यानी 20 के बाद के टेबल्स को आप किस तरीके से आसानी से लिखें ताकि आपका जो डिवीज़न का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और आप आसानी से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकें. तो आज हम सीखेंगे थ्री डिजिट्स के नंबर का टेबल लिखना. मेथड बिल्कुल सेम है. वहाँ पे हमने वंस और टेंस के नंबर्स के साथ बात की थी. यहाँ हम बात करेंगे वंस टेंस एंड हंड्रेड के नंबर. सेम प्रोसेस के साथ चलेंगे. वंस टेंस एंड हंड्रेड में मैंने एक डिजिट लिया है 683. ऑब्वियसली हम सब में से किसी को भी 683 का टेबल नहीं आता है, बट 6 का टेबल आता है, 8 का टेबल आता है और 3 का टेबल आता है. 6 का टेबल मैंने लिख लिया है, आपको भी आता होगा, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 58, 6 9 54, 6 10 60. उसी तरह से मैंने 8 का टेबल लिख लिया है. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80. सेम प्रोसेस में मैंने वंस की जगह पे 3 का, वहाँ 3 का टेबल लिख लिया. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30. ये बिल्कुल आसान है हमारे लिए. अब पुराने मेथड की तरह यहाँ भी हम इन्हें प्लस करेंगे. चूंकि वंस का नंबर जो होता है उसमें कहीं कुछ भी प्लस करने के लिए नहीं है, तो वंस का नंबर अपनी जगह ही रहता है. अगर उसके बाद अगर हमारे पास वंस के डिजिट में दो डिजिट हो जाते हैं तो एक वंस का डिजिट होता है और एक टेंस का. अगर टेंस में दो डिजिट हो जाते हैं तो एक टेंस का होता है और एक हंड्रेड का. और हंड्रेड में दो डिजिट हो जाते हैं तो एक हंड्रेड का और एक थाउजेंड का. ये हमारा प्रोसेस है. वंस का डिजिट अपनी जगह रहता है. अगर दो टेंस के डिजिट है तो वो जुड़ जाते हैं. अगर कैरी ओवर होता है तो वो हंड्रेड को मिलता है. और दो हंड्रेड के डिजिट होते हैं तो वो भी जुड़ जाते हैं. कैरी जो होता है वो नेक्स्ट थाउजेंड को मिलता है. इस द प्रोसेस. चलिए स्टार्ट करते हैं. वंस का नंबर 3 8 6, 683. फर्स्ट वंस का नंबर 6, टेंस का नंबर भी 6, हंड्रेड के दो नंबर 2 + 1 = 3, 1000 का नंबर 1366. वंस का नंबर 9, टेंस का नंबर 4, हंड्रेड के दो नंबर 2 + 8 = 10, कैरी ओवर हो गया, 1 के पास गया, 1 + 1 = 2, 2049. वंस का नंबर 2, टेंस के दो नंबर 2 + 1 = 3, हंड्रेड के दो नंबर 3 + 4, 7000 का एक नंबर 2, 2732. वंस का नंबर 5, टेंस के दो नंबर 0 + 1 = 1, हंड्रेड के दो नंबर 0 + 4, 4000 का एक नंबर 3, 3415. वंस का नंबर 8, टेंस के दो नंबर 8 + 1 = 9, हंड्रेड के दो नंबर 6 + 4 = 10, कैरी ओवर 3 + 1 = 4, 4098. वंस का नंबर 1, टेंस के दो नंबर 6 + 2 = 8, हंड्रेड के दो नंबर 5 + 2 = 7, 4781. वंस का नंबर 4, टेंस के दो नंबर 4 + 2 = 6, हंड्रेड के दो नंबर 8 + 6 = 14, कैरी आगे जाएगा 4 + 1, 5464. वंस का नंबर 7, टेंस के दो नंबर 2 + 2 = 4, हंड्रेड के दो नंबर 7 + 4 = 11, कैरी ओवर 5 + 1, 6147. वंस का नंबर 0, टेंस के दो नंबर 0 + 3, हंड्रेड के दो नंबर 0 + 8, 1000 का एक नंबर 6830. कुल इजी प्रोसेस है. सेम इसी प्रोसेस से
मैंने आपको कुछ सम्स कुछ डिजिट्स दिए हैं जिससे आपको टेबल लिखना है, सेम इसी मेथड से। थैंक यू।